हाय इन्वेस्टर्स जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस किए हों ताकि वो एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, इसलिए आज हम आपको दो ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नज़दीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप एक कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। ये एक बेटर मेट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 8th of December 2021 यानी कि वेंसडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये कंपनी वेदांता लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जो पिछले 5 decades से भी ज्यादा टाइम से जिंक लेड माइनिंग और स्मेल्टिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी ने 18 rupees पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14th of December है, यानी कि अगर आप 13th December या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 4.96% तक बनता है। कंपनी का पीई रेशियो 17.44 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.26% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 34.11% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 9.8% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 52.32% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 5.17% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है NMDC लिमिटेड। ये एक PSU कंपनी है जो माइनिंग और मिनरल इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। इस कंपनी ने 9.01 rupees पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इसकी भी एक्स डिविडेंड डेट 14th of December है, यानी कि अगर आप 13th December या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 6.13% तक बनता है। कंपनी का पीई रेशियो 4.1 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.81% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 40.74% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 18.94% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 36.32% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 3.03% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो दो कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स पास आने वाली हैं और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। आप इन सभी कंपनीज के नाम, एक्स डिविडेंड डेट्स और डिविडेंड यील्ड्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे जैसे और भी कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करेंगी हम आपके लिए फिर से एक डिविडेंड अलर्ट लेके आएंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर रखा है या नहीं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.